नमस्कार, मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। काफ़ी दिनों से थ्योरी की क्लास नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज एक थ्योरी की क्लास जिसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती है वो मैं आज आपको पढ़ाऊँगा। तो आज आप लोग क्या पढ़ोगे, आज से जो शुरुआत होगी आज उसमें पढ़ोगे जितनी भी कोशिकाएँ होती हैं, जो सेल्स होती हैं, उनके जो एक्टिव ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि सक्रिय कोशिका अंगों के विषय में हम पढ़ेंगे, जिसमें क्या क्या आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, आपने देखा होगा कि ये जो टॉपिक लिखे हैं चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी बॉडीज हो, राइबोसोम हो, लाइसोसोम हो, प्लास्टिड हो, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतः प्रद्रव्य जालिका हो, इन सबसे कोशिका पर काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। और आपने देखा होगा कि पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलते भी हैं। ठीक है, तो हम लोग आज ये जो एक्टिव सेल ऑर्गेनिज्म है इनकी शुरुआत करेंगे, और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, छह टॉपिक है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का है, राइबोसोम, लाइसोसोम, लवक यानी कि प्लास्टिड, और अंतः प्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक एक करके पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ये जो एक्टिव सेल ऑर्गेनिज्म है यानी कि सक्रिय कोशिका अंग है, इसमें हम लोग सबसे पहला आज अपना टॉपिक लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, चलिए शुरुआत करते हैं। इसको आप देख लीजिएगा, इसमें हम लोग आज शुरुआत करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। तो इस पार्ट को मैं कर रहा हूँ रफ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए, तो जब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो ध्यान से देखना भाई। तो सबसे पहला अपना जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोगों ने बहुत दिन से कहा था सर आप थ्योरी की क्लास वैसे ही लीजिए जैसे आप ले रहे थे, तो मैंने कहा चलो आज वैसे ही क्लास ले लीजिए, आपकी ये इच्छा भी पूरी कर दी जाए, देखें आगे से क्या होता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने ये आता है कि सर ये माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका अंग है जिसको हम लोग एक्टिव सेल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, सक्रिय कोशिका का अंग कहते हैं, ये कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखोगे जितनी भी सारी यूकेरियोटिक सेल्स होती हैं, कौन सी सेल, यूकेरियोटिक सेल्स, तो आप जवाब दोगे कि ये सारी की सारी यूकेरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। यूकेरियोटिक सेल्स यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अब अगर किसी के दिमाग में ये बात आ रही हो कि सर यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, तो मैंने आपको ये पहले भी पढ़ाया था, आप उसको देख भी सकते हो स्लाइड को, वो वीडियो को, और अगर नहीं आपको याद है तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, जिन सेल्स में, जिन कोशिकाओं में, बहुत ध्यान से देखना बेटा, जिन कोशिकाओं में न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, मैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात कर रहा हूँ, केंद्रक, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक जालिका, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन, और डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म यानी कि डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है पूर्ण विकसित अंग, डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म यानी कि विकसित अंग पाए जाते हैं उन कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं, विकसित अंग पाए जाते हैं उन्हीं कोशिकाओं को हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। और ये तो तीन पॉइंट लिखे हुए हैं, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं के पॉइंट है कि अगर उसमें केंद्रक है या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है और डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म यानी कि विकसित अंग है, तो आप कह सकते हो कि वो कोशिका कैसी है, वो कोशिका यूकैरियोटिक सेल है। इतनी बात तो ठीक है, समझ में आई होगी पूरी उम्मीद है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो ये पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये कैसे होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का आकार, ठीक है, साइज एंड शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, साइज एंड शेप, ठीक है, किसकी बात हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया की। तो साइज एंड शेप की अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के, तो बेटा ये आपको बता देते हैं, ये गोलाकार या छड़ के आकार की संरचनाएं होती हैं। गोलाकार यानी कि कुछ शेप इसमें स्फेरिकल भी होगा, और ये एक छड़ की फॉर्म में होती है, छड़ यानी कि एक स्टिक की फॉर्म में होती है, क्या आकार जैसा होता है, छड़ का आकार की होती है, कौन सी, और जो ऐसा आकार आपको दिखाई दे जो गोलाकार हो, छड़ स्फेरिकल हो, स्टिक शेप का हो, तो इसका मतलब है वो बात हो रही है किसकी, वो बात हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, किसकी बात हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया की, इसको हिंदी में कहते हैं सूत्र कणिकाएं, क्या कहते हैं, सूत्र कणिकाएं। इतनी बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, चलो देखो
ठीक है। अब बात हुई कि सर्वप्रथम सर इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज के विषय में धीरे 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 हम लोग आगे बढ़े हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, कोलिकर नाम के एक साइंटिस्ट थे 1880 में, कोलिकर, ध्यान से समझना, खोज की अगर बात होगी तो 1880 में कोलिकर नाम के साइंटिस्ट थे, कब, 1880 में, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था, ठीक है। तो खोज का श्रेय तो इन्हीं को जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया खोजा था, ठीक है भाई, किसको, कोलिकर को। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो जवाब क्या होगा, कोलिकर ने 1880 में माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा। आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से समझते चलिएगा आप सभी लोग, ठीक है, सारे के सारे पॉइंट अब यहाँ से इंपॉर्टेंट ही हैं। अच्छा, लेकिन अब जरा ध्यान से समझना, 1890 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्टमान, क्या नाम था, अल्टमैन या अल्टमान, आप इनको कुछ भी कह सकते हो, अल्टमैन नाम था 1890 में। अल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट का नाम दिया था, इसी माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया था, बायोप्लास्ट, ठीक है। अभी ये जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है ये अभी तक खोजा नहीं गया है, केवल एक ये एक्टिव सेल ऑर्गेनिज्म था जिसको आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जान रहे हैं, तो वो मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। इसका नाम ये माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र। अल्टमैन एक थे, 1890 में इन्होंने क्या किया था, इसको बायोप्लास्ट का नाम दिया था, ठीक है। लेकिन सबसे जरूरी बात आती है यहां पर, एक बेंडा नाम के साइंटिस्ट थे 1897 में, बेंडा, ठीक है, बेंडा नाम के जो साइंटिस्ट थे 1897 में, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा कि जितनी भी गोलाकार और छड़ के आकार की, यानी कि स्फेरिकल और स्टिक शेप की जो संरचनाएं हैं जिसे आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, तो गोलाकार और छड़ के आकार की जितनी भी संरचनाएं थी, बेंडा ने 1897 में इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया का वर्ड नाम दिया था, ठीक है। तो बेंडा ने इन्हें नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था, तो आपका जवाब होगा बेंडा ने दिया था 1897 में। क्वेश्चन पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो आपका जवाब होगा 1880 में कोलिकर ने खोज की थी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो वर्ड है, शब्द जो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको क्वाइन किया था, क्वाइन करने का मतलब इसका नाम दिया था, ठीक है, किसने, बेंडा ने, ठीक। कोलिकर ने इसकी खोज की थी कब, 1880 में, और अल्टमैन ने क्या किया था, अल्टमैन ने इसका एक और नाम दिया था 1890 में, जिसे बायोप्लास्ट कहते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए आगे बढ़े। चलो देखो, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखना, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अब जरा आगे बात करते हैं, तो ध्यान से देखना, ठीक। अच्छा, अब ये बात आती है कि सर ये माइटोकॉन्ड्रिया किसमें किसमें पाया जाता है, इसका आकार क्या होता है, कैसे इसको हम लोग देखते हैं, तो ठीक है, हम लोग उसकी बात करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो, ये जो आपको डायग्राम यहाँ पे मैंने अभी बना के रखा था, ये शेप होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसमें कौन सी क्या चीजें होती है मैं सब आपको बताता हूँ, जरा ध्यान से समझते चलना। पहला पॉइंट यहाँ पर क्या कि सर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है किसमें किसमें पाई जाती हैं और किसमें किसमें नहीं पाई जाती हैं, तो बेटा ध्यान से समझना, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, सारे के सारे बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल, जिसे हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल, इसमें भी कुछ कंडीशन लगती हैं, लेकिन आप अभी इतना समझो, जितने भी बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल होते हैं, यानी कि साइनोबैक्टीरिया, उसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, जो गोलाकार और छड़ के आकार की आकृति होती है नील हरित शैवाल में, ये नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया एंड द साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, नहीं पाए जाते हैं, ठीक है भाई, कौन नहीं पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं पाई जाती है। तो कभी इससे भी प्रश्न बन जाता है सर, जैसे क्वेश्चन दिया कि नील हर वो माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाई जाती है, तो आपके सामने नीचे ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन है बैक्टीरिया, तो आप सही क्या करोगे कि बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं में ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये नहीं पाई जाती है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है, इतनी तो बात समझ में आई होगी, ठीक, चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगर हम इस माइटोकॉन्ड्रिया जो एक्टिव सेल ऑर्गेनिज्म है, अगर हम इसकी लंबाई की बात करते हैं, तो इसकी जो टोटल लंबाई होती है ना बेटा, ये 5 माइक्रोन के आसपास होती है, किसके आसपास होती है, 5 माइक्रोन,
5 माइक्रोन की लंबाई का ये पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइक्रोन लिखा है, ठीक है, MIC मतलब माइक्रोन है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा सर, किसी भी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है? एक क्वेश्चन ये बना यहाँ पर उठा दिमाग में कि सर किसी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है, अगर ये किसी कोशिका का भाग है तो सर इनकी संख्या कितनी होती है? तो आप ये ध्यान दो, डिफरेंट सेल्स में यानी कि विभिन्न कोशिकाओं में, डिफरेंट सेल्स में इनकी संख्या डिफरेंट होती है, अलग अलग सेल्स में इनकी संख्या जो होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है, इनकी संख्या भी कैसी होती है, डिफरेंट ही होती है, ठीक है भाई, इनकी संख्या भी कैसी होती है, डिफरेंट होती है, किसमें, अलग अलग कोशिकाएं हैं, अलग अलग आकार है, तो ये तो उसके अंग के रूप में काम कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, तो इनकी संख्या भी कैसी होगी, अलग अलग ही होगी, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते हो कि हर प्रकार की कोशिकाओं में इनकी संख्या एक जैसी होती है, डिफरेंट सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्याएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, वो अलग 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 होती है, ठीक है, चलो आगे बढ़े, चलो। अच्छा अब देखो जरा सर, ये जो संरचना आपने बताई माइटोकॉन्ड्रिया की, ये बनती कैसे है, किससे बनती है, क्या होता है इसमें, इन सब चीजों पर हम लोग बात करते हैं आगे, ठीक है, चलो देखो अब आपको एक एक करके चीजें समझाते हैं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो ये आपको दिख रहा है, जो एक एक्टिव सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये दो चीजों से मिलकर बनता होगा, किससे किससे, बाह्य झिल्ली से और अंतः झिल्ली से, ठीक है, बाह्य झिल्ली यानी कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, बाह्य झिल्ली और अंतः झिल्ली से बनता है, कहां पर होती है ये मैं आपको दिखाता हूं, समझाता हूं, अंतः झिल्ली, ठीक है। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन का मतलब बाह्य झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन, और यहां पर ये जो पार्ट आएगा ना, ये वाला, ये होती है इसकी इनर मेम्ब्रेन, क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन यानी कि अंतः झिल्ली, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन, बोलो ठीक है इतनी बात। अच्छा अब जरा और एक दो चीजें समझ लो, इसमें जो आपको ये खिचखिच वाला पार्ट दिख रहा है, ऐसे ऐसे जिगजैग वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये होते हैं DNA, ठीक है, क्या होता है, DNA यानी कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक। अच्छा ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, इसके आसपास DNA के आसपास ये छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे कण जानते हो क्या होते हैं, ये छोटे छोटे कण होते हैं राइबोसोम्स, क्या होते हैं, राइबोसोम्स, ठीक। उसके बाद आपको एक कण यहाँ पर दिखाई दिया होगा, ये वाले जो थोड़े से बड़े हैं इनसे, यहाँ पर ये होते हैं F1 कण्स, F1 मॉलिक्यूल्स, F1 कण, ये क्या होते हैं अभी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना होती है, जिससे हम लोग आगे इसमें पढ़ते चलेंगे क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या हमको पढ़नी है, ठीक है, चलो देखो। अब आगे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, हाँ देखो, चलो देखो, आपने देखा ये हरे वाले पार्ट है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की अंदरूनी संरचना में, ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया है जिसकी ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, अंतः झिल्ली है, तो इस अंतः झिल्ली में जो हरे हरे पार्ट दिखाई दे रहे हैं, जो उंगलियों के आकार की संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये जो उंगलियों के आकार की संरचनाएं है ना, इनको बोलते हैं क्रिस्टी, क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। तो कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाए डायरेक्टली कि क्रिस्टी कहाँ पाई जाती है, आपके पास चार ऑप्शन हो, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड, तो आप जवाब दोगे कि जो उंगली के आकार की जैसी संरचनाएं होती हैं, ये जो क्रिस्टी होती हैं, किस में पाई जाएंगी, माइटोकॉन्ड्रिया में, किस में पाई जाएगी बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक, चलो, एक जो उंगलियों की भांति संरचनाएं, इसकी बात समझ में आ गई, ठीक है, हाँ, ये क्या होती हैं, ये क्रिस्टी होती हैं। अब जरा ध्यान से समझना यहाँ के बाद, देखो समझो, आपने देखा कि ये जो पूरी की पूरी माइटोकॉन्ड्रिया जो एक एक्टिव सेल ऑर्गेनिज्म है, ये दो पार्ट में मेनली डिवाइड होता है, एक बाह्य पार्ट, एक अंदर पार्ट, अंदरूनी पार्ट, यानी कि एक आउटर पार्ट, एक इनर पार्ट। तो ये जो दो इसके मेन मुख्य पार्ट है, इसमें जो पहला वाला पार्ट है जिसको आउटर चैम्बर कहते हो, बाह्य वाला पार्ट, ये आउटर चैम्बर के जो मोटाई होती है लगभग 60 से 80 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, खैर वो इतना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये दो पार्ट में डिवाइड होती है माइटोकॉन्ड्रिया के पार्ट, कौन कौन से, एक आउटर चेंबर में और एक इनर चेंबर में, ठीक है, एक आउटर चेंबर में और एक इनर चेंबर में, ठीक है, आउटर चेंबर और इनर चेंबर में दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। अब
इनर चैम्बर की जब हम लोग बात करते हैं, यानी कि इस वाले भाग की जो अंता झिल्ली है, इनर मेम्ब्रेन, इसमें ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे कई सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, और इसमें एक लिक्विड भरा होता है, लिक्विड, उसी लिक्विड को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? इनर पार्ट चैम्बर में भरे हुए द्रव को ही मैट्रिक्स कहा जाता है। इनर चैम्बर में भरे द्रव को, भरे हुए द्रव को, द्रव्य को क्या कहते हैं? लिक्विड को, भरे हुए द्रव को ही क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स, ठीक है, या इनर फ्लूइड भी कह सकते हो, FLUID, ये तो आपने पढ़ रखा है पहले से, मैंने पढ़ाया था। क्या कहते हैं? इनर चैम्बर में भरे हुए द्रव को मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक है, ठीक है। अब जरा इसमें आगे बढ़ते हैं, जरा देखना। अभी आपने एक शब्द मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लिखा हुआ है F1 कण, ये क्या होते हैं, इसके विषय में जानना है। क्वेश्चन पूछ दिया जाए कभी एग्जाम में आ जाए कि F1 कण क्या होते हैं, ये कहाँ होते हैं, तो कहाँ होते हैं, तो इसका तो जवाब होगा किस में होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी कैसे होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी ये कहाँ होते हैं? देखो, ये जितनी भी उंगली नुमा संरचना है, इसके ऊपर आप देख रहे हो छोटे छोटे ये पॉइंट जैसे दिख रहे होंगे, ये तो क्रिस्टी के ऊपर की जो संरचना होती है, दैट इज कॉल्ड द F1 कण, ठीक है। क्या कहते हैं? क्रिस्टी के ऊपर की जो संरचना होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? F1 कण, ठीक है। आगे बढ़े, क्रिस्टी के ऊपर की संरचना को ही क्या कहा जाता है? F1 कण, ठीक। तो अगर बारी आई कि F1 कण कहाँ होते हैं, तो आप क्या बताओगे? क्रिस्टी के ऊपर वाली जो संरचनाएं होती हैं, इन्हीं को, ठीक है, क्या कहते हैं? क्रिस्टी के आसपास, आसपास छोटे छोटे जो कण होते हैं, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे कण जो होते हैं, इन्हीं को, इन्हीं को क्या कहते हैं? F1 कण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? F1 मॉलिक्यूल कहते हैं, F1 कण कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और अराइज हो जाता है, वो ये होता है कि भैया ऑक्सीसोम क्या होता है? क्या क्वेश्चन हुआ? ऑक्सीसोम, ठीक है, जरा ध्यान से समझना। क्वेश्चन आया कि ऑक्सीसोम्स क्या होते हैं, ठीक है, इसी में क्वेश्चन है। तो आप जवाब जानते हैं क्या देंगे? क्रिस्टी के आसपास के कणों को, जिसको F1 कण कहते हैं, उनका दूसरा नाम है ऑक्सीसोम। तो ऑक्सीसोम को ही याद रखिएगा, किसके नाम से जाना जाता है? F1 मॉलिक्यूल, यानी कि F1 कण के ही नाम से जाना जाता है किसको भी, क्रिस्टी के जो आसपास के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको ही क्या कहते हैं? F1 कण, यानी कि ऑक्सीसोम्स कहा जाता है, ठीक है भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ। चलो आगे बढ़े, अब जरा देखना। अब अगर यहाँ पर बात हो जाए कि सर ये जो F1 कण होते हैं, ये कैसे होते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है, तो जरा देखो, जो ऑक्सीसोम्स होते हैं, यानी कि जिनको आप लोग क्या कहते हो? F1 कण कहते हो, ऑक्सीसोम्स, यानी कि F1 कण। अगर इनकी संरचना की बात करें कि ये कैसे दिखते हैं और क्या होते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। ऑक्सीसोम्स, ठीक, ये तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं, किसमें किसमें? तीन पार्ट में। देखो, ये कुछ ऐसे होते हैं ऑक्सीसोम्स के, F1 कण जो होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। इसमें ये होता है सिर, ये होता है इसका आधार, और ये होता है इसका व्रंथ, ठीक है, जिसके सहारे पर, यानी कि आप इसको कह सकते हो, जिसके सहारे पर ये F1 अंग जो है, F1 कण यानी कि ऑक्सीसोम टिका होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि F1 कण यानी ऑक्सीसोम कितने पार्ट में डिवाइड होता है, तो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, किसमें? सिर, वृत्त और आधार में। क्लियर, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ। अच्छा, अब क्वेश्चन अगर ये किसी के मन में उठ रहा है, सर ये ऑक्सीसोम जो होते हैं F1 कण, इनका काम क्या होता है, इसका वर्क यानी फंक्शन क्या होता है, तो जरा समझ लो, ऑक्सीसोम का जो फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो क्या होता है, ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स का अभिगमन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्टेशन यानी अभिगमन होता है, ठीक है, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन के अभिगमन तंत्र के लिए और फास्फोलीकरण के में इसका काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन के अभिगमन तथा अभिगमन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अभिगमन तथा, दूसरा मैंने क्या बोला, दूसरा मैंने बोला क्या, फास्फो
रिलीकरण, ठीक है, क्या बोला, फास्फो रिलीकरण, ठीक है, फास्फो रिलीकरण के काम में आते हैं, कौन, ऑक्सीसोम, कौन, ऑक्सीसोम। और ये किस में होते हैं बच्चे, ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक। इतनी बात उम्मीद है कि समझ में आई होगी, F1 कण कहाँ होते हैं, कितने पार्ट में होते हैं, क्या काम होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, देखना जरा आगे पॉइंट बढ़ते हैं। अब आपने सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी का पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, ठीक है, कोशिकाओं का पावर हाउस कहते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं भाई, कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है ना कि इसको जो पावर हाउस कहा जाता है, सेल का पावर हाउस, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, सेल पावर हाउस जो कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस जो कहते हैं वो क्यों कहते हैं भाई। सेल का पावर हाउस कहने का मतलब ये होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ही एक ऐसी जगह होगी जहां से सारी की सारी कोशिकाओं को क्या मिलती होगी, एनर्जी, ठीक है। जैसे हमारा शरीर है, मान लो हमारा शरीर एक कोशिका है, और हमारे शरीर का एक अंग पेट है कि नहीं है, बोलिए हाँ है ना, वैसे ही कोशिका पूरा का पूरा शरीर है और उस शरीर का एक अंग है पेट। पेट में क्या होता है, सारा का सारा खाना, चाहे वो प्रोटीन हो, वसा हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वो आके एकत्रित होता है, और एनर्जी क्या होती है, ब्रेक होती है। सेम कंडीशन विथ माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल्स, क्या होता है कि सेल अगर पूरी बॉडी है, पूरी कोशिका जो शरीर है, अगर मान लो कोशिका कोई शरीर है, तो शरीर का एक अंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए कहते हैं क्योंकि इस माइटोकॉन्ड्रिया में सारे के सारे खनिज पदार्थ, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, सारे के सारे खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ, चाहे वो प्रोटीन हो, सारे के सारे खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ, चाहे वो क्या हो बेटा, प्रोटीन हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, और चाहे वो क्या हो, फैट हो, ये सब आते हैं और ब्रेक होते हैं। ब्रेक होने के फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ पर एनर्जी निकलती है, क्या निकलती है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, यानी ऊर्जा का उत्पादन होता है। और ये ऊर्जा किसकी फॉर्म में उत्पादित होती है, एटीपी की, किसकी फॉर्म में उत्पादित होती है, एटीपी, यानी कि एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट की फॉर्म में क्या होती है, ऊर्जा यहाँ से उत्पादित होती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये यहाँ पे ये बना जाके कि सर ये जो एटीपी की फॉर्म में ऊर्जा बनती है, इसका निर्माण कैसे होता है, ठीक है, चलो ध्यान से समझो, ये जो एटीपी की फॉर्म में ऊर्जा बनती है, इसका निर्माण ऐसे होता है कि जब एडीपी, एडीपी यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट, जब ये आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं, शरीर के अंदर बहुत सारी केमिकल प्रोसेस होती हैं, ह्यूमन बॉडी इज द मोस्ट टफेस्ट मशीनरी ऑफ दैट ऑफ दिस वर्ल्ड, सबसे कठिन मशीनरी है, ठीक है। तो एडीपी यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और जब फॉस्फेट के मॉलिक्यूल आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं, रासायनिक रूप से अभिक्रिया करते हैं, तो क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और ये एटीपी ही क्या कहलाती है, यही एटीपी हमारे शरीर में किसका काम करती है, ऊर्जा का। इसीलिए दैट्स व्हाई, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, सेल का पावर हाउस, क्यों, क्योंकि ये पूरी सेल को ऊर्जा प्रदान करता है, किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। अच्छा अब दूसरी बात जरा ध्यान से समझना, यहां पर क्या होता है कि जब जो खनिज पदार्थ इसमें आए हैं, किसमें आए हैं, खनिज पदार्थ जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में आए, किसकी फॉर्म में, चाहे वो प्रोटीन की फॉर्म हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट की हो, और चाहे किसकी फॉर्म हो, फैट की फॉर्म हो, ठीक है। तो ये जो खनिज पदार्थ आए हैं, इनका जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, सारे के सारे खनिज पदार्थों का, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, खनिज पदार्थों का, यानी जितने भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फैट जो है, खनिज पदार्थों का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी कि कंप्लीट ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण, जब पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है किसका, जितने भी खनिज पदार्थ है, तो इसका रिजल्ट बेटा ये होता है, यहां से जो रिजल्ट है वो ध्यान से देखना, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि सारे के सारे खनिज पदार्थों का, जब मान लो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फैट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया, तो इनके फलस्वरूप ऊर्जा तो मिली मिली, इसके साथ साथ यहां से कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ साथ जल,
यानी कि वाटर, यानी H2O भी क्या होता है, फॉर्म होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का भी फॉर्मेशन होता है, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी, आज तक आपने इसको पढ़ा होगा, रटा होगा, लेकिन जो है चीजें समझी नहीं होंगी, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना। अब अगर कोई कह दे कि जैसे क्वेश्चन एक पूछ दिया जाए कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में सारी चीजें हुई हैं ये कितने प्रोसेस में होती है, तो आप ध्यान रखना कि ये जो सारा का सारा ऑक्सीडेशन होता है, CO2 बनती है, जल बनता है, ATP बनता है, ये दो चरणों में होता है। किसमें किसमें होता है, पहला होता है, जो पहला चरण होता है ठीक है, उसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र। क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, ठीक है, क्रेब्स साइकिल। और इसका जो दूसरा चरण होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इसमें कौन काम करता है, इसमें F1 कम यानी कि ऑक्सीसोम काम करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि इलेक्ट्रॉन का अभिगमन तंत्र, ठीक है भैया, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र। बोलो, इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी, सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे जा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अभिगमन तंत्र होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, अभी तक की जितनी भी चीज़ आपने पढ़ी है, ठीक है, ये आपको क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो ही नहीं होगी। अब ये जो दो पार्ट थे, ये जो आपने देखे, ये किसके पार्ट हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जब एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल फॉर्मेशन होता है तो किसके थ्रू होता है, केप साइकिल के थ्रू में और इसके थ्रू में। अब केप साइकिल, क्रेब साइकिल क्या होती है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, या जब कभी हम आपको पढ़ाएंगे, ये जब वीडियो को देखेंगे, इस पे रिस्पॉन्स देखेंगे, तब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये भी क्लियर कर दूंगा। वैसे इससे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, क्वेश्चन जो बेसिकली पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से, तो वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे हम लोग आपसे, हम लोग मतलब मैं आपसे मिलूंगा अगले टॉपिक के साथ, जब हम लोग पढ़ेंगे, तो हो सकता है आगे वाले टॉपिक में अगर बड़ा होगा तो एक टॉपिक कवर कर देंगे, बड़ा होगा क्या, गोल्जी बॉडीज जो होती है वो बड़ा ही टॉपिक है, जैसे गोल्जी बॉडीज हो गया, प्लास्टिड हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये थोड़े से, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जितना बड़ा था, ये इतने बड़े टॉपिक होंगे, ठीक है। तो जब हम लोग आगे वाली क्लास पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उम्मीद है कि माइटोकॉन्ड्रिया आपको समझ में आया होगा पूरा, और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, या मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल है डाउट क्लियर भाई, डाउट क्लियर भाई, क्लियर भाई, अनुराग दीक्षित, अनुराग दीक्षित, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं मैथ्स के क्विज भी डालता रहता हूँ, बायो के क्विज भी डालता हूँ, और बायो की जो PDF कन्वर्ट होती है इसको भी मैं वहाँ पे क्या करता हूँ, काम करता हूँ, ठीक है। तो इसका आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।